जय मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। हम मौजूद हैं सिंगरौली में और आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद है आदेश प्रताप सिंह चौहान। आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं हम। थैंक यू। आदेश के बारे में यदि बात की जाए, मात्र 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने मैकेनिज्म के ऊपर एक ऐसी किताब की रचना की है जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस विषय के बारे में और भी हम ब्रीफ से समझते हैं और जानते हैं कि ये किताब है क्या। पहले तो आदेश, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस किताब का नाम क्या आपने रखा है और इसके बारे में हमें ज़रा बताएं, इन्फॉर्मेशन और आइडिया कहाँ से आपको? जी ज़रूर। इस बुक का नाम है एंसुइंग मैकेनाइजेशन। मैं वर्ड थोड़ा बता देता हूँ। एंसुइंग का मतलब होता है आने वाला, जो कि आएगा, एंड मैकेनाइजेशन होता है कि जो टेक्नोलॉजी जो आने वाली है। तो ये एंसुइंग मैकेनाइजेशन मैंने ऐसा एक सिनोनिम ढूंढ के एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी का रखा। इसमें मैंने वो बात की है कि लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ही बुरे ख्याल हैं फ्यूचर के रिलेटेड। लोग सोचते हैं, जो कि मूवीज़ बनते हैं हम देखते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड, उन सब में बहुत ही गलत बताया जाता है। सो गर्मियों की छुट्टियों में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी यूनिक चीज़ की जाए जिसमें मैं टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं उनको बताऊँ और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँ। तो मैंने इस बुक को वहीं से लिखना स्टार्ट किया और इसमें मैंने पॉजिटिव्स भी, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी, उसके बारे में डिस्कस किया है और जो नेगेटिव्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने इसकी प्रेरणा? मैं अपने समर वेकेशंस में मैं यूट्यूब में कर रहा था, मेरा यूट्यूब में चैनल है टेक्नोक्री नाम से। यूट्यूब के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना एक यूनिक चीज़ की जाए। मैं अपने बहुत सारे मेरे अंदर थॉट्स आ रहे थे। उसके बाद मैं जैसे इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे रोल मॉडल इलॉन मस्क, उनकी मैंने कई सारी बुक्स देखी और मैं उनकी बुक्स भी बहुत रीड करता हूँ, लाइक स्टीफन हॉकिंग, बहुत इन लोगों की बहुत बुक रीड करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बुक के द्वारा मैं ऐसा लिखूँ, जो भी मैं अपने थॉट्स सोच रहा हूँ, क्यों ना इसको एक बुक के उसमें लिखा जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि आदेश सिंगरौली के क्राइस्ट स्कूल के छात्र हैं, कक्षा नौवीं के, और क्लास नाइन्थ में ही इन्होंने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आदेश, वैसे तो हम लोगों ने प्रश्न आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है कि आपको ये कितने समय में, ये आपने किताब को लिख दिया है? ये किताब जैसे मैंने जिस दिन स्टार्ट किया था इसको लिखना, इस किताब को लिखने मुझे 3.5 महीने लग गए थे। 3.5 महीने लग गए थे मेरे को लिखने में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में उतनी रिसर्चेस नहीं हुई थी, तो उनको ही मेरे को अपने हिसाब से रखना ताकि लोगों तक गलत एक नॉलेज ना जाए। तो इसलिए मेरे को 3.5 महीने लग गए इस किताब को लिखने में। 3.5 महीने में आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई और कैसे आपने अपने स्टडी के साथ साथ सारे समय टाइम को मैनेज किया? इसमें मैंने ऐसा सोचा था कि दिन में 2 आवर्स मैं राइटिंग को अपनी दूंगा, उसके साथ मैं अदर एक्टिविटीज़ भी, पढ़ाई भी ज़रूरी है एंड देन स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको टाइम देने मैं 2 आवर्स पर डे अपने कोशिश करता था कि इसमें अपना टाइम दूं और रिटर्न वर्क करूं इसका। आदेश, आप अभी यूथ हो, यंग हो, अभी आपने स्टार्टअप किया हुआ है, आज के समय में जहाँ पर सभी जो युवा हैं वो मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं, कोई पबजी खेल रहा होता है, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा होता है, राइट, ऐसे में आपने खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया जी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में ये, मैं बहुत सारे आजकल आप लोग देखेंगे, लोग पबजी खेलते हैं एंड दे डू और काइंड्स ऑफ थिंग, गेम्स बहुत सारे खेलते हैं। मुझे ये, मैं आज तक ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुआ पबजी में। हाँ, मैं जो मेरे हॉबीज़ हैं मैं उनको फॉलो करता था, गेमिंग मेरी हॉबी नहीं थी तो मैं इसमें उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ। एंड लाइक मेरी राइटिंग और रीडिंग बुक्स, इनमें ज़्यादा वॉचिंग मूवीज़, इनमें थोड़ी ज़्यादा ये मुझे पसंद आते थे, तो मैं इन्हीं में इन्वॉल्व रहता था और उन सब चीज़ों से मैंने दूर रखा अपने आप को। आज जब आप इस मुकाम पर हो, आपकी खुद की किताब है, आपने खुद बुक एक लिख दी है, स्कूल और आपके फ्रेंड सर्कल और आपके सोसाइटी में और पेरेंट्स की ओर से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही है, कैसा रिस्पांस कर रहे हैं? जब मैंने बुक लिखी थी तो उसके कुछ दिन तक तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने लिखी है। कुछ दिन बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, सो दे वर शॉक्ड, उनको भी बहुत अजीब लगा कि इतनी यंग एज में। एंड जब फ्रेंड्स को पता चला कि मैंने बुक लिखी है तो वो ही बहुत अमेज हो गए कि इतनी कम एज में एक बुक कैसे लिख सकते हैं, एंड दे वर शॉक्ड। तो यही है। तो आपने ये कैसे, आपके मन में ये ख्याल आया कि आप भी लेखन में आगे निकल सकते हो और लिखने की प्रतिभा आपके अंदर है, कैसे आपने इसको उजागर किया? मेरे अंदर एक हॉबी है रीडिंग की, तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, स्टीफन हॉकिंग हो गए एंड नॉवेल्स भी मैं पढ़ता रहता था, तो मैं जब उनको पढ़ता था तो मेरे अंदर थॉट आता था क्यों ना मैं भी एक लिखूँ एक ऐसी।
सो देन समर वेकेशन की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई तो उसी मैंने सोचा क्यों ना एक लिखी जाए अपनी तरफ से। अच्छा, इस किताब के बारे में हम कुछ और भी जानना चाहेंगे, थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि कौन कौन से कंटेंट इसमें मिलाए गए हैं और क्या क्या इन्हें हमें देखने को मिलेगा जब लोग इसे पढ़ेंगे जी, तो कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें मैंने वेरियस फील्ड्स के बारे में बात की जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में होती है, लाइक कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, बहुत सारी फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर जिसमें हमारे आने वाले टाइम में जो फार्मर्स को क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा टेक्नोलॉजी का, और भी कई सारी फील्ड में बात की है और उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात की है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी, ह्यूमन वर्क बहुत ही कम हो जाएगा, वो थोड़ी गलत भी चीज़ है क्योंकि फिर एम्प्लॉयमेंट जैसे हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसकी भी प्रॉब्लम आएगी, बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी अगर अच्छी रहेगी अगर हम उसके अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। एंड वेरियस फील्ड्स के बारे में मैंने बात की कि इन सब फील्ड में हमें क्या क्या देखने को नया मिल सकता है। ओके, मूवीज़ में देखने को मिलता है कि रोबोट्स के साथ वॉर हो जा रही है, और क्या कितने हद तक ये सही हो सकता है? ये ऑलमोस्ट सही हो सकता है क्योंकि इसके बारे में भी रिसर्च चल रही है। हैंसन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने एक ह्यूमन रोबोट भी बनाया है। अगर इंसानों के पास भी अच्छी और बुरी फीलिंग्स दोनों होती हैं, और अगर हम वही फीलिंग्स रोबोट के अंदर डाल दें तो वो हो तो हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, एंड अगर उनमें से कोई गंदा रोबोट निकला तो या मूवीज़ भी रियल हो सकती हैं, रियल हो सकती हैं जी। ओके, अभी देखा जाए तो आपके पिता, आपके फादर पुलिस विभाग में हैं जी, और उनका कितना रोल रहा आपके इस पूरे जर्नी में? उनका बहुत रोल रहा, जब उन्हें पता चला बहुत ही खुश हुए वो, एंड थ्रू आउट पब्लिकेशन प्रोसेस उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया, एंड ऑल मेरी पूरी करियर में लाइक यूट्यूब में एंड जो भी मैं करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग उन सब में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे फ्यूचर के लिए, हर एक चीज़ के लिए वो। एंड इफ यू टॉक अबाउट अगर मेरी मम्मी एंड मेरी सिस्टर, वो लोग मेरे को और मोटिवेट करती रहती है। वेरी नाइस जी। आदेश, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आने वाले जो समय है इस किताब को लेकर आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग आपने की हुई है? फ्यूचर प्लानिंग मैंने की हुई है कि आफ्टर 12th आई हैव टू डू IIT, ये मेरा एक ड्रीम है, इट्स अ ड्रीम इसको करना है, एंड देन आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ टेक कंपनी लाइक इलॉन मस्क जो कि उन्होंने स्टार्ट की थी, स्पेस एक्स या टेस्ला इंडिया में, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी कंपनीज नहीं हैं। सो या मेरा ये स्टार्टअप प्लान है फ्यूचर के लिए। देश को आप जैसे युवाओं की बहुत ज़रूरत है, और अपने फ्रेंड सर्किल और यहाँ के जो भी पूरे देश के जो युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो अभी का टाइम पीरियड है, लाइक अगर हम उन्हें इन्हीं गेमिंग और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, इसमें हम इतना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो ये सब एक हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम टाइम स्पेंड करें अपना जो भी इन सब चीज़ों में, लाइक प्लेइंग गेम्स एंड दिन भर यूट्यूब में, इन सब में थोड़ा कम टाइम स्पेंड करें, एंड आप वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हो आप, लाइक हमारे पास यूथ पावर बहुत है, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया के पास बहुत ज़्यादा यूथ पावर है, एंड अगर यूथ चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, सो इट्स अबाउट दैट। ओके, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आदेश ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आप ये भी कह सकते हैं आदेश कि आपने आने वाले भविष्य को जी देखने का प्रयास भी किया है। जी जी, इसे कहना गलत नहीं होगा कि आपने अपने आने वाले समय को देखने का प्रयास किया है। इस उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए भी एक गौरव का विषय है और हमारे ज़िले के लिए भी गौरव का विषय है, और हम प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार की प्रतिभाओं को आपके समक्ष लाएं। हालांकि आदेश की प्रतिभा को किसी की परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदेश को आप सभी की शुभकामनाओं की बड़ी आवश्यकता है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और आदेश को अपनी शुभकामनाएँ ज़रूर भेजिए। चैन तो बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार सिंगरौली, लाइव चैन।